काइन मास्टर के माध्यम से एंड स्क्रीन वीडियो कैसे बनाएं। तो आज के वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर के माध्यम से एंड स्क्रीन वीडियो बनाना सिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को स्किप ना करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हिमांशु और आप देख रहे हो ट्रस्टेड टेक्नो चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर के माध्यम से एंड स्क्रीन वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में काइन मास्टर की एप्लीकेशन प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करना है और फिर उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में काइन मास्टर को ओपन करना है। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल में ऑलरेडी काइन मास्टर की एप्लीकेशन है, इसलिए मुझे डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं काइन मास्टर की एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद में मेरे सामने ऐसा यहाँ पर क्रिएट न्यू का ऑप्शन आता है, तो आपको भी क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में एस्पेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे, तो यहाँ पर 16:9 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में क्रिएट पर क्लिक करना है। उसके बाद पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने मीडिया ब्राउज़र का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो उस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेम्पलेट की लिंक दूंगा, तो उसको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। जो मैं मटेरियल यूज़ करूँगा उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक मैं मटेरियल यूज़ कर लेता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर एंड स्क्रीन मटेरियल को यूज़ कर लिया है, ऐड कर लिया है। उसके बाद में क्रॉस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस प्ले हेड को स्टार्ट पे लेके आएंगे और फिर इसको प्ले करके देखना है, प्ले करके देखना है। उसके बाद में आपको लगता है कि कैसा लग रहा है। अब यहाँ पर जो सर्कल हैं, इस सर्कल के बीच में आपको अपने चैनल का लोगो ऐड करना है और जो राइट में जो आपके सामने रेक्टेंगल साइज़ में दिख रहे हैं दो बॉक्स, ठीक है, तो उसमें आपको अपने कोई लेटेस्ट वीडियो के थंबनेल को ऐड करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर इस प्ले हेड को यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो आपको भी यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। उसके बाद में लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और अपने चैनल का लोगो यहाँ पर प्लेस करना है सर्कल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का लोगो ऐड करता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको करके। तो वेल गाइस, देखिए मैंने लोगो प्लेस कर दिया है। अब मैं लोगो को इस सर्कल के बीचों बीच यानी प्लेस करूँगा, ठीक है। तो इस लोगो को यानी इस सर्कल के बीच में यानी ऐड करना है। उसके बाद में इस लोगो की लेंथ को इस टेम्पलेट के बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लोगो को सही से अलाइन कर देता हूँ। उसके बाद में इस लोगो की लेंथ को भी मैं इस ब्लैक वाले इस टेम्पलेट के बीच बराबर यानी करूँगा, ठीक है। उसके बाद में आगे का प्रोसेस भी आपको करके बताऊंगा। फिर राइट में जो आपको बॉर्डर दिख रहे हैं रेक्टेंगल वाले, उस बॉर्डर के बीच में आपको अपने यूट्यूब चैनल का जैसे वीडियो का थंबनेल ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस लोगो की लेंथ को यानी इस टेम्पलेट के बराबर करना है, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट पर लेके आना है, फिर लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आपको दो थंबनेल ऐड करना है, ठीक है। आपके वीडियो के दो थंबनेल जो आपके मोर लेटेस्ट वीडियो के, ठीक है। तो एक थंबनेल यहाँ पर लगा देंगे और एक को नीचे लगा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में उसकी साइज़ को यानी कम करेंगे, इस सर्कल यानी इस रेक्टेंगल के बीचों बीच यानी आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा थंबनेल और भी एक ऐड करना है, फिर दूसरे थंबनेल की साइज़ को भी आपको कम करना है और उस बॉर्डर के बीचों बीच यानी इसको सही से फिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको प्ले करके देखते हैं, फिर इसको दोनों थंबनेल को बारी बारी से यानी इसकी साइज़ कम करना है और इस बॉर्डर के बीचों बीच इसको ऐड करना है, ठीक है। फिर ऊपर वाले पर है ना क्लिक करना, उसको भी साइज़ कम करना है, फिर उसको भी इस बॉर्डर के बीच में सही से फिट करना है। एक बार यानी सही से यानी आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिट कर दीजिए। उसके बाद में जब आपको लगे कि हाँ अभी बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हो गया है, तो उसके बाद में आपको मैं आगे का प्रोसेस करके भी बताऊंगा। यहाँ पर पहले मैं इसको सही से अलाइन कर देता हूँ। अलाइन करने के बाद में इसकी लेंथ, दोनों थंबनेल की लेंथ को भी इस टेम्पलेट के बराबर करना है, ठीक है। जो मैंने लोगों की लेंथ को भी उसके बराबर किया ना, वैसे का वैसा आपको भी दोनों की यानी लेंथ को भी इसके बराबर करना है, ठीक है। उसके बाद में यानी सेकंड वाली थंबनेल उसकी भी लेंथ को इसके बराबर करना है, यानी उसके बाद में आप प्ले करके देख सकते हैं, तो यानी बहुत अच्छा दिखेगा। उसके बाद में आपको एक्सपोर्ट पर जाना है। एक्सपोर्ट पर जाने के बाद में आपको अपने हिसाब से रिजोल्यूशन करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको अपने हिसाब से सही कर देता हूँ और इसमें एनिमेशन देना, इन एनिमेशन में आपको स्वाइप राइट का ऑप्शन है तो वो आपको सेलेक्ट करना दोनों में, ठीक है। उसके बाद में ओके करना है और लोगो जो हमने प्लेस किया ना उस लोगो में हमको इन एनिमेशंस देना है फेड का, ठीक है। फेड का देने के बाद में उसके बाद में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब दोनों का मैंने देखिए इन एनिमेशन दे दिया, अब लोगो का मैं इन एनिमेशन दे दूँगा।
लोगो पर क्लिक करना और फिर इसको फेड को सेलेक्ट करना, फिर ओके करना है, ठीक है। यानी तीनों का यानी एनिमेशंस भी दे दिया, तीनों को प्लेस भी कर दिया, और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट पर जाना है, ठीक है। एक्सपोर्ट पर जाने के बाद में यानी अपने हिसाब से रिजोल्यूशन सेट करना है, ठीक है। उसके बाद में इसको प्ले करके भी देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।